ब्रह्मचर्य में कुछ और काम है? नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है, थैंक यू, तुम जाओ। आज क्या हो रही है, क्या कर रही हो तुम? इस घर से जाने की तैयारी? कुछ ऐसा नहीं कर रही हो, कहीं नहीं जा रही हो तुम यहां से। एक ना एक दिन तो मुझे इस घर से जाना है अपना। वैसे इस तरह के घर के हालात चल रहे हैं, बेहतर है कि ना खुद चली जाओ। हाँ तो मुझे यहां से तक के मार के निकाल दिया जाए। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, छोड़ो इसे, कहीं नहीं जा रही तुम। क्या हो गया आपको? आपको क्या लगता है कि जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे, वो सब सही होगा? आपके कहने से क्या होता है अफनान? आपसे मेरा क्या रिश्ता है जो आप मुझ पे हुक्म चला रही? देखो, जिस वजह से तुम यहां से जा रही हो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चले जाने से अलीजे को कोई फर्क पड़ेगा तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा। जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरे यहाँ जाने से अलीजे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे जाना तो होगा ना यहाँ से अफनान। शायद तुम क्यों नहीं समझ रही? आप क्यों नहीं समझ रहे अफनान? आज मेरी वजह से आप मामू जान के सामने खड़े हो गए। आपने मामू जान का कितना दिल दुखाया है, कितनी अजियत दी उनको, कितनी तकलीफ दी उनको। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया कभी अपना, लेकिन मामू जान ने मुझ पर बहुत एहसानात किए। और ये बात मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरे मोहसिन पर कोई आवाज उठाए, कोई उन्हें तकलीफ दे। ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि वो मेरी बात समझ नहीं रहे थे, या शायद मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पा रहा था। लेकिन तुम रिलैक्स करो, ये मेरा और डैड का मामला है, मैं उन्हें समझा लूंगा और वो मान भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमसे कह रहा हूं ना, तुम नहीं जा सकती हो कहीं। ये क्या कर रहे हैं अफनान? आपने क्या समझ के रखा हुआ है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो सब सही होता है? अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार, मैं तुम्हारे मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। इतनी अहम कब से हो गई मैं? बात अहम होने या ना होने की नहीं है, बात यह कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत सेफ है, तुम महफूज हो यहां पर। और तुम अलीजे की टेंशन मत लो, मैं उसे समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं, यकीन करो मेरी बात। क्या लगता है कि मेरी जिंदगी का हर फैसला आप करेंगे और मैं मान जाऊंगी? तुमने हमेशा मेरी बात मानी है रमशा, इसी बात की तो सजा भुगत रही हूं आज। मैं मानता हूं मेरे कुछ फैसलों ने तुम्हें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, कि तुम सिर्फ पछता ही सकता, कि काश उस वक्त मैंने तुम्हें समझा होता। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकता रमशा, मेरी बात का यकीन करो।
दफा पहले भी आपकी बात पे यकीन किया। क्या हुआ? हर कोई ऐसे मुझसे टूट रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहा है? यकीनन कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। तनी अफनान भी कहां चला गया? अफनान, अफ़नान ऊपर क्यों गया? यकीनन रमशा से मिलकर आ रहा है।